देखिए आपका स्वागत है इस वीडियो रिकॉर्डिंग में। मैं इस वीडियो रिकॉर्डिंग में आपको ये बताऊंगा कि अंडा क्या होता है, ओवम, ओवम किसे कहते हैं। तो मुर्गी में तो ऐसा होता है कि वो ओवम बहुत छोटा होता है, पर तो उसका खाने पीने का जितनी डेवलपमेंट में जरूरत पड़ती है वो भी उसमें इनकैप्सुलेटेड करके और शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है और बाहर ही उसका वो होता है। परंतु गाय में ऐसा होता है कि उसका विकास जो है वो पेट में ही होता है और वो काफी छोटा होता है। मैंने शुक्राणुओं के बारे में बताया था कि ये एक 10^-6 होता है, मतलब हजार का हजार मतलब 6 बिंदी लगा दिए इतना छोटा होता है। परंतु जो ये है अंडा, ये जो है वो ये 200 माइक्रोन के बराबर होता है। मतलब आप अपनी भाषा में ऐसे समझ लीजिए कि ये जो है शुक्राणु से 20 गुना बढ़िया होता है। परंतु इसको शुक्राणु जैसे देखा गया था करीब 1677 में, पर इसके 150 साल बाद इसको देखा डी ग्रैफ ने देखा। मैं यही बता रहा था कि ये जो है विलायती गाय उसमें ये निकलता है, पर ज्यादा गर्मी हो तो ओवरी में से निकलेगा, परंतु उसकी क्वालिटी बहुत खराब होती है, वो मर भी सकता है गर्मी में। तो इसको गाय को ठंडा रखेंगे तभी फर्टिलाइजेशन पॉसिबल होता है, अन्यथा फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं होता। इनको निकाला भी जा सकता है, इनको गाय एक बच्चा देती है पर उसमें एक FSH का इंजेक्शन होता है, उसके लगा देने से वो कई उसमें वो बन जाते हैं और फिर उनसे उनको गर्भित करके और उनको बाहर निकाल कर दूसरी गाय में रख के वो मतलब काफी बच्चे पैदा किए। खैर वो दूसरा विषय, मैं यहाँ पे बता रहा था ओवम क्या होता है। ओवम जो है वो साधारण माइक्रोस्कोप में दिखाई दे जाता है और ये 200 माइक्रोन का होता है। उसका अनुपात जो है यहाँ पिक्चर में नीचे दिखाया गया है। धन्यवाद, आपने सुना। लोग बड़े परेशान रहते हैं कि साहब अंडा क्या होता है और ओवरी क्या होती है, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, ओवरी से हर 21 दिन में एक अंडा निकलता है और उसका आकार जो है काफी बड़ा होता है, 10^200 माइक्रोन के बराबर होता है। और यदि गर्मी ज्यादा पड़ रही है तो वो मर भी सकता है। देसी गायों में ये जल्दी नहीं मरता है, विलायतियों में जल्दी मर जाता है। तो अब जो है इसके भ्रूण भी वैसे बिक रहे हैं पर वो जरा कॉस्टली हैं। तो मैं अपनी वार्ता को इस अंडे को या ओवम की यही खत्म करता हूँ। मैं प्रोफेसर सैया हूँ, मैं पढ़ाता रहा, 2004 में रिटायर हो गया था और अब मैं एनिमल बायोटेक्नोलॉजी और लाइफ साइंसेस के कोर्स पढ़ाता हूँ। मेरा टेलीफोन नंबर 8979-7484-8686 है। धन्यवाद, आपने सुना। यदि आपकी कोई भी जिज्ञासा हो या आप डेयरी खोलने के लिए कोर्स करना चाहते हैं तो आप इस टेलीफोन नंबर पर संपर्क करते हैं। धन्यवाद।